नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे थे, और देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ प्रीवियस ईयर पेपर का, तो इसका जो है हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर जो है इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जगह प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपके लिए, DSSBJEE और AE एग्जामिनेशन के लिए। उसमें देखिए आपका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, जिसमें कि आपका जनरल स्टडी, इंग्लिश और हिंदी, तो इन तीनों सब्जेक्ट का जो है हमने एक पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए आपको जो है टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो इसमें मिलेगा ही आपको, और इसके साथ में जो आपको सभी सब्जेक्ट का PDF भी आपको मिल जाएगा। और ये देखिए ये सारा जो टॉपिक्स है आपके, जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये जो है प्रीवियस ईयर के बेस पे सारा हमने डिजाइन किया हुआ, और जो लेटेस्ट जो ट्रेंड आपके रहते हैं जहाँ पूछे जाने का, उन सबको देखते हुए जो हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको इसी के अंदर में मिल जाएंगे। तो ये जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आप लोग जो है कम समय में अपना तैयारी इनसे कर सकते हो। तो देखिए इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो ऐप पे हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको जो है इसी ऐप से कोर्स को एनरोल करना, और यहाँ पे देखिए जो है आप लोग एरर फ्री, मतलब कोई भी आपको यहाँ पे जो है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, और ना तो कोई ऐड आपका आएगा। तो आप लोग जो है यहाँ पे बिना कोई डिस्ट्रैक्शंस के देख सकते हो लेक्चर्स को, और साथ में अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हो, वो भी कम समय में। और कोर्स काफ़ी हमने देखिए रिजनेबल रखा हुआ है, कि ओनली 199 रुपीज़ है आपका। और इसके साथ में देखिए हमने PDF भी आपको अलग से प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे कि आपका हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, इसके अलावा जो जनरल साइंस का जो पोर्शन, जनरल स्टडी का जो पोर्शन है आपका, तो इसका भी हमने अलग से PDF नोट्स जो है आपको प्रोवाइड किया हुआ है। इसमें देखिए आपको जो है सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, जो हमने कोर्स में भी लॉन्च किया हुआ है, और साथ में जितने भी इम्पोर्टेंट हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉपिक, वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग जैसे प्रिपेयर करना चाहते हो वैसे आप लोग कर सकते हो। हमने जो है सारा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो इन सभी PDF का लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से पुलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो आपको जो है इसमें से पुलिंग शब्द का आपको चयन करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ अखबार, दुकान, सरकार और दीवार। तो देखिए जो पुलिंग आपका होता है, मतलब कि जो आपके मेल डोमिनेशन के जो होते हैं, तो वो आपको बतानी होती है। तो देखिए इसमें जो अखबार जो आपका दिया हुआ है, तो ये जो है आपका ये पुलिंग शब्द आपका, और बाकी देखिए यहाँ पे जैसे दुकान, सरकार, दीवार, ये जो है तो ये सारे स्त्रीलिंग शब्द आपके हैं। तो देखिए ये जो है आपको याद रखना होगा, और इसके लिए जो है आपको पहले ये आइडिया होना चाहिए कि जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो है आपका, तो उसको किस तरीके से जो है विभाजन किया गया। और इसमें देखिए बहुत सारे चीज़ जो होते हैं आपके, जो जीव तो होते हैं, तो उनका देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचान करना तो काफ़ी ईजी होता है, लेकिन जो चीज़ अगर आपका जैसे स्त्रीलिंग का होता है, मतलब जो निर्जीव का जो चीज़ आपका होता है, तो उसको देखिए पहचानना काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब कि जिसमें निर्जीव चीज़ होते हैं, मतलब जिसमें जीव जो होते हैं आपके, जैसे कि आपका कोई चीज़ आप बोलते होगे लड़का हो गया, इसके अलावा जैसे कि आपका पिता हो गया, या फिर कोई भी जीव आपका हो गया जानवर में से ही, जैसे कि आप बोलते हो बैल हो गया, तो ये सब क्या है आपको पहचानना काफ़ी ईजी हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पे अगर जैसे आपका निर्जीव चीज़ कोई दे दिया जाए, तो उसमें जो है आइडेंटिफाई करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि कौन पुल्लिंग और कौन स्त्रीलिंग है। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिंग जो आपका है, इसका मतलब होता है कि हमें जैसे नर या मादा जो होती है, उन सबका जाति का अगर बोध होता है, तो उसे हम लोग लिंग कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पुरुष जाति के जो होते हैं, जिसमें कि आपका बैल हो गया, बकरा हो गया, मोर, मोहन, लड़का आदि हो गया। स्त्री जाति से जब का जैसे गाय, बकरी, मोरनी, मोहनी, लड़की, तो देखिए ये क्या, ये सब सारे जीव है, तो इनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा ईजी आपका होता है। लेकिन जहाँ पे भी आपका जैसे कि उसमें अगर निर्जीव चीज होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पे जो लिस्ट जो दिया गया है, आपको उनको जो है दिमाग में रखना होगा। तो यहाँ देखिए जैसे लिंग के दो भेद थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब कि जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग का मतलब जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता होगा। तो देखिए सजीव चीज में पुल्लिंग में आपको जैसे ये तो आइडेंटिफाई करना काफी ईजी हो जाता है, कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा। लेकिन निर्जीव पदार्थ जो होते हैं आपके, जैसे कि मकान, तो देखिए मकान क्या है, ये आपका एक पुल्लिंग शब्द है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे पढ़ते हो कि मकान पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जब तक कि आप लोग इसे पढ़ा ना हो कहीं पे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि मकान ये क्या है, ये पुलिंग है, तो अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मकान क्या है, तो ये आपका पुलिंग है, आप लोग इजली बता दोगे। लेकिन ऐसे ही बिना पढ़े जाओगे तो आप लोग को जो आइडिया नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक बार जो है आपका ये गो थ्रू होना सारे सब्जेक्ट का, मतलब जो भी टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो निर्जीव चीज़ में आपका, जैसे कि फूल आपका हो गया, ये आपका पुलिंग शब्द है।
और वहीं पे जैसे आपका स्त्रीलिंग में, इसमें जो निर्जीव पदार्थ जो होता है आपका, जैसे सुई, कुर्सी, गर्दन, तो ये जो है आपके, ये क्या है आपके, स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिस्ट जो है तैयार किया हुआ है इसके अंदर में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे संज्ञाएं होते हैं कि जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, जिसमें कि आपका खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी, पक्षी का पक्षियाँ या मच्छरी नहीं बना सकते हो कि इसका स्त्रीलिंग ये हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो पुल्लिंग का पहचान के लिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे लिस्ट आपको मिल जाएगा, जैसे कि समूहवाचक संज्ञा में आपको होता है मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग आदि हो गया। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे भारी और जो बेडौल वस्तुएं जो होती है, जैसे जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़, तो ये सारे पुल्लिंग के शब्द आपके हैं। जैसे दिन के नाम जो आपके होते हैं, जितने भी, सोमवार, मंगलवार से लेकर आपका रविवार, सारे जो है पुल्लिंग शब्द आपके होते हैं। तो यहाँ पे और भी लिस्ट आपका दिया हुआ है, सब पूरा डिस्कस करना यहाँ पे पॉसिबल तो नहीं है, तो आप लोग जो है सबको PDF से पढ़ना, नहीं तो आप लोग कोर्स में एनरोल होकर वहाँ पे भी आप लोग पूरा स्टडी कर सकते हो, वहाँ पे हमने जो इसको अच्छे से समझाया हुआ है। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो अनाज के जो नाम आपके होते हैं, गेहूं, बाजरा, चना, तो ये जो है आपके पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि आपका मक्की, ज्वार हो गया, अरहर हो गया, तो ये स्त्रीलिंग के शब्द आपके होते हैं। बाकी आप लोग और भी देख लेना, यहाँ पे देखिए और भी आपके दिए हुए हैं कि जैसे कि आपका पुल्लिंग शब्द जो आपके होते हैं, जिसमें कि ये सारे आपको देखने को मिलेंगे, तो वो पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग के भी यहाँ पे देखिए पहचान की इनकी बताई गई है कि कौन से स्त्रीलिंग आपके होते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग में ही होती है, इनका पुल्लिंग होता नहीं है, इसमें आपका मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना, तो ये हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, इनका पुल्लिंग नहीं बनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको जो है देखना होगा। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे बोली हो गया, नदियों के नाम हो गया, तो ये सारा जो है आपके स्त्रीलिंग शब्द आपके होते हैं ये। और भी देख लेना आप लोग, यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट आपका लिस्ट में दिया हुआ है, तो एटलीस्ट आप लोग इतना तो जरूर करके जाना है एग्जाम के लिए, जो कि ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे देखिए पुलिंग शब्द बताया गया, पूछा गया था आपसे, इसमें अखबार जो है आपका पुलिंग शब्द है, बाकी दुकान, सरकार, दीवार, तो ये जो है आपके जो कैटेगरी हमने आपको दिया वहाँ पे, अगर उन सबका अगर आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आप लोग इन सबको इजिली बता सकते हो कि ये जो है स्त्रीलिंग के शब्द है फिर पुल्लिंग के शब्द है। तो यहाँ पे अखबार आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला देखिए दिया हुआ कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है गजरा, माला, झूमर और हार। तो देखिए इसमें माला जो है आपका, ये क्या है, ये जो एक स्त्रीलिंग का शब्द आपका है, तो ऑप्शन टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी गजरा, झूमर और हार, ये जो है आपके पुल्लिंग के शब्द है। तो ये देखिए आइडिया आपको कब आएगा, क्योंकि देखिए जो निर्जीव चीज़ हो जो होते हैं ना, जिनमें कि प्राण नहीं होती है, तो उनको जो है आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जो लिस्ट हमने यहाँ पे आपको दिया है, आप लोग जो उसको अच्छे से कवर करके जाना, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि देखिए आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो देखिए जो यहाँ पे दिया रहता है, कोई भी आपका मान लीजिए कि दिया रहेगा कि पुल्लिंग शब्द है, तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए पूछा जाता है। तो देखिए इसके लिए जो कुछ रूल्स होता है यहाँ पे, कि जैसे आप लोग अगर इस जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द अगर आप लोग बनाते हो गए, तो उसके जो है कुछ नियम होता है, उसमें कुछ लगाए जाते हैं, प्रत्यय लगाए जाते हैं, या फिर जो उसमें कुछ और चीज़ लगाए जाते हैं, जैसे कि वो जो है आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, जैसे कि इसमें क्या आपका अकारांत और आकारांत, मतलब जिसमें अ और आ की ध्वनि जो आपकी आती है अंत में, तो उसमें अगर हम लोग जैसे ई की ये मात्रा लगा दे, यानी कि बड़ा ई की मात्रा लगा देते हैं, तो वो आपका स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे कि लड़का का लड़की बन जाएगा, गुंगा है, तो इसमें देखिए आ की ध्वनि आपकी आ रही है, तो इसको अगर स्त्रीलिंग बनाना है, तो इसमें जो है आप लोग ई करण, मतलब ई जो आपका होता है बड़ा ई, उसकी आप इसमें लगा दो मात्रा, तो गुंगी, ये आपका बन जाएगा इसका स्त्रीलिंग शब्द। नर का नारी बनेगा, देव का देवी बनेगा आपका। तो ये देखिए सिंपली हम लोग ये तो ऐसे भी जानते हैं कि देव का देवी होता है, नर का नारी होता है, लेकिन ये जो है रूल के अकॉर्डिंग आपका होता है कि यहाँ पे किस तरीके से जो है आया हुआ है आपका, गधा का गधी हो गया, नाला का नाली हो जाएगा, मोटा का मोटी, बंदर का बंदरी आपका हो जाएगा। इसके अलावा देखिए और भी दिए हुए हैं आपका यहाँ पे कि आओ या फिर वाह प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों में आ या फिर जो है आपका वाह की जगह अगर इसमें ईया लगा देंगे तो वही स्त्रीलिंग आपके बन जाते हैं। जैसे कुत्ता आपका है तो इसमें हम लोग ईया लगा देंगे कुतिया, तो ये आपका बनेगा इसका पुल्लिंग शब्द। कोई ऐसा नहीं कि कुत्ता कुत्ती आप लोग बना दो, तो वो चीज़ भले हम लोग ऐसे बोल देते हैं लेकिन वो होता नहीं है, तो आपको जो है रूल के अकॉर्डिंग चलनी है। तो और भी आप यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो इसके लिए जो आप लोग डिटेल में पढ़ने के लिए जो है आप लोग देख सकते हो कोर्स में, वहाँ पे हमने अच्छे से इसको समझा हुआ है। यहाँ पे पूरा कंप्लीट जो है डिस्कस करना पॉसिबल तो नहीं है,
आप लोग जो है पीडीएफ से पढ़ सकते हो इसको या फिर कोर्स में इनरोल होके। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द हो क्या है। तो देखिए जो कवि है आपका, तो इसका देखिए कवि का स्त्रीलिंग शब्द आपका होता है कवित्री। तो यहाँ पे स्पेलिंग पे भी ध्यान देना आप लोग, मतलब कि जो मात्रा जो वर्तनी जो होती है क व और ई, मतलब ई में जो आपका छोटा ई होगा आपका होगा और त्री में आपका बड़ा ई होगा। तो देखिए किस में आपका दिया हुआ है कवित्री, तो क व यित्री, ये देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ, तो ये जो आपका सही हो जाएगा। तो ये नहीं कवित्री, ये गलत है आपका, ये भी कवित्री ये गलत लिखा हुआ है। कवित्री में देखिए व में जो आपका हर्षी का, इसमें आपका ये नहीं होगा, छोटा ये नहीं होगा मात्रा, वो आपका सिंपली एज इट इज रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए कवि का आपका होगा कवित्री। तो मात्रा पे भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, तो इस बात को जो है आप लोग ध्यान में रखना। और भी यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि दिया हुआ है और भी शब्द आपके दिए हुए, पुलिंग शब्द विद्वान का होता है, विदुषी, नेता का होता है, नेत्री आपका होता है इसका, महान का महती होगा, साधु का साध्वी हो जाएगा, लेखक का लेखिका आपका हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि देव का स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है। तो देखिए देव है आपका, तो हमने आपको बताया था कि जैसे अगर किसी में अ की ध्वनि लास्ट में आती है तो देव, वो देव, अ की ध्वनि आपकी आ रही है, तो इसको अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो इसमें मतलब ई की मात्रा लगाते हैं, बड़ा ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा देव का, देवी, ई की मात्रा आप मतलब जो है लास्ट में आपको लगाना है इसमें, तो देवी आपका बन जाएगा। तो इसका देखिए ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो आपको देखिए इन सारे क्वेश्चन में रूल के अकॉर्डिंग चलनी है, आपको अपने से नहीं करना है हाँ इसका ये होता है हमने ये पढ़ा हुआ है, तो वैसे नहीं, आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है जो कि हमने जो है पीडीएफ में दिया हुआ है आपको। तो इससे जो है आप लोग अपना तैयारी कर सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर कि लड़का और दादा शब्दों के लिंग परिवर्तन में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए लड़का दिया हुआ है और दादा दिया हुआ है, तो इनका अगर जैसे लिंग परिवर्तन करते हैं हम लोग, तो ये क्या है अभी पुल्लिंग है आपके, अगर इसको जैसे लिंग परिवर्तन मतलब स्त्रीलिंग में करना है तो इसमें देखिए किस प्रत्यय का यूज किया करते हैं हम लोग। तो देखिए लड़का आ की मात्रा आ रही है और दादा में भी आपका आ क्या जो मात्रा आता आकारांत जो आपका है, तो उसकी ध्वनि आपकी आ रही है लास्ट में। तो हमने आपको बताया था कि जब भी आपकी अ का या फिर आ की मात्रा की ध्वनि आती है लास्ट में तो उसमें ई की मात्रा लगाते हैं हम लोग, तो वो आपका बन जाता है स्त्रीलिंग शब्द। तो लड़का का लड़की और दादा का दादी, तो ई ई जो है आपका बड़ा ई लगेगा इसमें, तो क्या होगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए रूल के अकॉर्डिंग भी जो है उससे भी आपके कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग उस पर भी ध्यान रखना। अगला देखिए दिया हुआ कि निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को इंगित करे, तो आपको देखिए इसमें से स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है घुटना, आंसू, जीभ और नाखून। तो देखिए ये जो है आपके शरीर के जो पार्ट जो होते हैं तो उनसे आपका दिया हुआ है। तो देखिए इसका हमने जो है यहाँ पे लिए दिखा हुआ है, आप लोग इसमें से देख सकते हो, यहाँ पे जो है हमने एक इसका एक जो आपका होता है मतलब शरीर के जो कुछ अंग जो होते हैं आपके, तो वो सारे जो शब्द जो होते हैं कि मतलब कौन से जो वो आपके हो सकते हैं स्पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो देखिए शरीर के जो कुछ अंग के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होता है, तो इसमें से कौन कौन सा है आपका, तो इसमें जैसे कि आपका आँख हो गया, नाक हो गया, जीभ है आपका, पलके है और ठोड़ी है। तो ये देखिए ये जो है आपके स्त्रीलिंग शब्द आपके होते हैं आँख, नाक, जीभ, पलके और ठोड़ी। तो ऑप्शन में देखिए आपका जीभ उसमें दिया हुआ था, तो जीभ आपका क्या होगा, ये स्त्रीलिंग का शब्द आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए और भी इसमें आप देख सकते हो कि मतलब कौन सा जो है आपका इसमें जैसे कि आपका होता है, तो ये देखिए पूरा आपको लिस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, आपको हमने जो है पूरा इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग इनसे अपना तैयारी कर सकते हो इसको। और ये देखिए जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग जो है इसको जरूर देख के जाना एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो पुल्लिंग शब्द के ही बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे शरीर के जो अंग आपके होते हैं हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत आदि, तो ये जो है आपके पुल्लिंग के शब्द होते हैं। लेकिन जीभ, आँख, नाक और उंगलियाँ, तो ये जो स्त्रीलिंग शब्द आपके होते हैं, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में देखिए यही आपसे पूछा गया था जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपके ये है जो पूछे गए हुए हैं इधर ना कहीं घुमा फिरा के। तो इसमें देखिए जीभ आपका दिया हुआ जो कि स्त्रीलिंग शब्द है आपका, तो क्या होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। बाकी घुटना, आंसू और नाखून ये जो है आपके पुल्लिंग के शब्द हैं। तो आपको देखिए एक बार अच्छे से पढ़ना तो होगा ही जो भी चीज़ हमने कंटेंट में दिया हुआ है, और समझ के पढ़ना है, ऐसे नहीं कि आपको सीधा रटना है इसको। हिंदी का क्वेश्चन देखिए आपका टफ पूछता नहीं है, टफ आपको कब लगेगा जब लोग बिना पढ़े जाओगे, तो उस समय आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन तो बहुत ही टफ पूछा गया था, लेकिन सारे जो होते हैं आपके टॉपिक सही होते हैं और वो सारा टॉपिक हमने इसमें ऐड किया हुआ, कोई फालतू का टॉपिक हमने नहीं पढ़ाया हुआ, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए सिर्फ वही जो है हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित शब्दों में अव्यय बताइए, तो आपको जो इसमें से अव्यय बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले जो है आपको अव्यय के बारे में आपको जानना होगा, इसके बाद जो आप लोग क्वेश्चन इजीली बता सकते हो कि अव्यय इसमें कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो देखिए जो अव्यय आपका है तो ये हम लोग ऐसे अविकारी शब्द हम लोग बोलते हैं कि जिसका देखिए क्या होता है कि वचन आदि कारक, ये अगर देखिए अगर हम लोग इसका जैसे यूज करते हैं हम लोग, तो इससे कोई परिवर्तन नहीं होती है, यानी कि ये अव्यय रहेंगे। यानी कि इसे हम लोग अगर कहेंगे कि इसमें अगर लिंग वचन पुरुष अगर इन सब चीज़ों का अगर कोई विकार उत्पन्न जो है अगर इसमें अगर होता है आपका, तो वो तो आपके और भी शब्द कहला जाते हैं, लेकिन इसमें कोई होगा ही नहीं, चेंज आपको कुछ भी आप लोग कर दो, इसका लिंग वो चेंज कर दो या फिर उसमें जो है आप लोग उसका वचन चेंज कर दो, पुरुष लगा जाए स्त्री जाति करा दो या कारक आप लोग जो है यूज करा दो उसमें, तो कोई परिवर्तन नहीं, वो अपने मूल रूप में ही वो बना रहेगा, यानी कि इसका रूपांतरण नहीं होता है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग अव्यय। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो शब्द आपका है जब, तो आप देखिए जब का अगर इसका आप लोग भले ही लिंग परिवर्तन कर दो तो तब भी आपको वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से तब है, अभी है, उधर है, वहाँ है, इधर है, कब, क्यों, वह, आ, ठीक, अरे, और, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अत्व, चूंकि, अवश्य, तो ये सारे जितने भी हैं आपके ये सारे जो हैं अव्यय हैं आपके। तो देखिए अव्यय जो है इसके बहुत सारे भेद होते हैं यहाँ पे, तो बाकी ये सब सारा चीज़ जो है डिटेल में आप लोग जो है पढ़ सकते हो, पीडीएफ में हमने पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो है इसका बताना था कि अव्यय होता क्या है, तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो दिया हुआ है कि आया, किंतु, नहीं और वह, तो इसमें देखिए जो शब्द अव्यय है आपका तो वह है किंतु वाला, अपने एग्जाम्पल में भी देखा था वहाँ पे किंतु जो है वो अव्यय का शब्द आपका था, तो ये जो है आपका क्या है शब्द आपका अव्यय है किंतु। और बाकी देखिए आया, तो आया का देखिए इसका परिवर्तन करते हैं हम लोग आई, तो ये आप लोग बना सकते हो मतलब कि इसका लिंग परिवर्तन करके, तो इसका जो है इसमें चेंज आ जाएगा। और इसके बाद वह का भी आप लोग बदल सकते हो, नहीं का भी कर सकते, लेकिन किंतु का जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि ये अव्यय शब्द है आपका। अगला देखिए दिया हुआ है कि वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में ऐसा क्या है, तो आपको देखिए इसमें ऐसा को बताना है कि मतलब ये क्या है आपका। तो देखिए ऐसा जो है आपका तो ये एक अव्यय का शब्द है आपका, तो ये जो है आपका क्या होगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि एक वाक्य में अव्यय का जो है प्रयोग नहीं हुआ है वो आपको बताना है कि कौन सा वो शब्द है, तो देखिए इसमें अव्यय का प्रयोग जो है आपका नहीं हुआ है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि मैं अभी आया, तो देखिए इसमें दिया हुआ अभी दिया हुआ आपका यहाँ पे, तो ये क्या है कि अव्यय का शब्द है। इसमें देखिए दिया हुआ श्याम इधर आओ, तो इसमें देखिए इधर जो है आपका ये क्या है अव्यय का प्रयोग किया गया हुआ है। अगला देखिए दिया मैंने खूब आम खाए, तो इसमें देखिए खूब जो है आपका ये क्या है ये भी इसमें अव्यय यूज किया गया हुआ। अगला देखिए दिया पानी बरसने लगा, तो इसमें देखिए कोई भी आपको अव्यय वाला शब्द आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से क्या है आपका होगा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि ये जो है इसमें कोई भी अव्यय का प्रयोग आपका नहीं हुआ है। तो आपको देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को करने होंगे, लेकिन देखिए थ्योरी जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको थ्योरी सबसे पहले समझना ही होगा, इसके बेसिस पे ही जो है आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, नहीं तो आपको काफ़ी डिफिकल्टी या फिर सबको देखो करने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो आई होप कि ये सारा चीज़ जो आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। और देखिए जो पीडीएफ हमने बनाया हुआ है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो, लेक्चर्स को देखने चाहते हो आप लोग जो है हिंदी का, इंग्लिश का और जीके का, तो इसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का जहाँ पे हमने कोर्स को लॉन्च किया हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और आगे भी देखिए इसी तरीके से जो है लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते ही रहेंगे हिंदी का, तो आप लोग जो है बने रहना हमारे चैनल के साथ में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।